देऊ ना तेच आता मात्र बडवे मोठ नाही ते तिच्याच खाली येते मारे काय त्याने दिसली तोंड दिसलं मध्ये नाग होत नाग होत नाग आहे दोन्ही नाग खंदाला का चमकर नाही म्हणून व्हिडिओ कर सगळे मारे मी पकडतो इकडून तोंड असं होती तर अंतर घर तक घर नाही नाही दोन तरी एक होता धूळ धूळ नागिन ही जात आहे एक दिसायला नागासारखी दिसते काळ येणार नाही जरा खाली हरी दोन्ही एकच नाग नागिन आहे ना यायचं लाव हे लावकन होऊ लागली माझी माणसं आले त्यांना त्याची रेडी चावतात ना ते सध्या मिलन झाले आताच संध्या येतात नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल के वीडियो पर। तो देखने वाले सभी दर्शक जो है इस वीडियो को तो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अलग से सांप के बारे में जानकारी आज मिलने वाली है। इस वजह से दोस्तों इस सांप को इस वीडियो को जो है आखिर तक पूरी तरह से ठीक से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो सांप इस वक्त रेस्क्यू किया गया है हमारे हाथों से कुछ दिनों में दो दिनों में, जहाँ पर वीडियो में शुरुआत में आपने देखा होगा कि एक ही जगह पर दो सांप हमें एक बार मिले थे और दूसरे दिन जो है दूसरी जगह पर एक सांप उसी प्रजाति का मैंने रेस्क्यू किया है। तो दोस्तों दरअसल इस तरह से मिलकर तीन सांप जो है यहाँ पर हमने रेस्क्यू किए हुए हैं। और दोस्तों ये सांप जो है काफ़ी रेयर सांप है, यानी कि कई हमारे यहाँ पर लोकल एरिया में ये ज़्यादा दिखाई नहीं देते, इस वजह से इन सांपों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक सांप हमने रेस्क्यू किया था दूसरे दिन, उस सांप को पहले बाहर निकालेंगे, क्योंकि इन तीनों भी सांपों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है हमें। तो यहाँ पर देख पा रहे होगा आप, यहाँ पर एक डिब्बा, आपको दो डिब्बे दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें इस डिब्बे में जो है दो सांप, दो प्रजाति के सांप जो है नर और मादा मौजूद है, और यहाँ पर दूसरे डिब्बे में एक सांप जो कि दूसरे दिन मैंने रेस्क्यू किया था वो मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों इस सांप को हम बाहर निकाल कर इस सांप के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इस सांप का नाम आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस सांप के नाम को लेकर कई बार जो है लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कि दरअसल दोस्तों इस सांप का जो है नाम जो है धूल नागिन है। धूल नागिन की वजह से जो नागिन नाम जो है उसकी वजह से लोगों को लगता है कि जैसे नाग प्रजाति में नाग होता है और उसके फीमेल जो है धूल नागिन यानी कि ये सांप है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन वैसी कोई भी बात नहीं है दोस्तों। ये दरअसल एक जाति है धूल नागिन नाम की, जिसमें नर और मादा यानी कि नर को भी धूल नागिन ही कहा जाता है और मादा को भी धूल नागिन ही कहा जाता है। इसमें सिर्फ यही हम इस तरह से कह सकते हैं कि धूल नागिन के अंदर जो है ये सांप फीमेल है और मेल है, इस तरीके से जो है इस सांप की पहचान की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इस सांप को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। दरअसल दोस्तों ये सांप जो है पूरी तरह से जो है
बिना जहरीला है, यानी कि किसी भी प्रकार का जहर इस सांप में पाया नहीं जाता। यानी कि अगर ये सांप किसी इंसान को काटता है तो किसी भी प्रकार की जो है जान का खतरा उस इंसान को नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, तो यहाँ पर इस सांप को मैं करीब से इसका कलर आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा करीब लाकर ये कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हो आप, थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा किस प्रकार यहाँ पर ये आपको रेड कलर, जो फेंट रेड कलर होता है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि उसके पूरे शरीर पर ये कलर दिखाई देता है दोस्तों। और ये दरअसल दोस्तों इसके ऊपर जो ये जो छोटे छोटे खौले मौजूद है दोस्तों, खौले दिखाई दे रहे होंगे आपको कैमरे के माध्यम से, देखिए ये खौले जो है दरअसल दोस्तों एक नाक के जैसे आपको दिखाई देते हैं, यानी कि नाक सांप के ऊपर भी इसी तरह के खौले दिखाई देते हैं दोस्तों। ये अगर सांप कहीं पर दिखाई देता है तो सबसे पहले इन खौलों से काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमें पहचानना कि ये सांप धूल नागिन है या नाग प्रजाति का है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसके ऊपर जो है इसके सिर को देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उसका सिर जो है पूरी तरह से आपको छोटा सा मुंह आपको दिखाई देता है, यानी कि छोटे सा आकार का ये मुंह आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जबकि नाग सांप का जो मुंह काफ़ी बड़ा होता है। स्टॉप कर खोकल का केला चलो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक धूल नागिन है, बिना जहरीला सांप है। अगर सांप कहीं पर दिखाई देता है, अगर आपको लगता है कि ये नाग प्रजाति का सांप है तो सबसे पहले इस सांप की छानबीन कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है इसे भी लोग नाग समझ लेते हैं दोस्तों। तो इस सांप को जो है हमने तकरीबन यहाँ पर ये तीन सांप मौजूद है जो कि एक ही प्रजाति के, धूल नागिन प्रजाति के, काफ़ी रेयर सांप है। इस सांप को अगर कहीं पर आपको नज़र आता है तो नाक समझ के कभी भी मारिएगा नहीं, क्योंकि ये सांप अगर किसी को काटता है तो दोस्तों किसी भी प्रकार का जहर जो है इंसान की बॉडी के अंदर नहीं जाता है, इसे क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का जहर मौजूद नहीं होता। चलो तो चलिए दोस्तों इस सांप को हम जो है यहाँ पर पर्यावरण में आज़ाद कर देते हैं, जल्द से जल्द इन्हें इनकी जगह पर हम छोड़ देते। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों तीनों भी सांपों को एक ही बारी में जो है आज़ाद कर देते। चलिए इन दो भी सांपों को मैं यहाँ पर बाहर निकालने जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा संभल कर हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि दो सांप है इसके अंदर। देखिए ये दो पूंछ आपको नज़र आ रही होगी जो कि मेरे हाथों के अंदर यहाँ पर मैंने पकड़ी हुई है। देखिए ये दो पूंछ यहाँ पर और ये दो सांप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये तीन सांप मौजूद है यहाँ पर, देख पा रहे होगी जो कि एक ही प्रजाति के दोस्तों। देखिए काफ़ी फुर्तीले होते हैं और काफ़ी ज़ोर से काटते भी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये सांप काटता नहीं है। तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं, आइए आज़ाद कर देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आपको ये जाते हुए नज़र आएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये आपको जाते हुए नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए ये रुके, यहाँ पर रुका हुआ है, दोनों तरफ उधर दो सांप यहाँ पर निकल चुके हैं और यहाँ पर एक जो कि दूसरे रास्ते निकल चुका है। देखिए यहाँ पर ये एक सांप आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर ये जो दो सांप है वो भी यहाँ पर जा चुके हैं दोस्तों। पूरी तरीके से देख पा रहे होगे आप, यहाँ पर ये सांप दिखाई नहीं दे रहे इस वक्त, जो कि कहाँ वो जा चुके हैं ये भी हमें नहीं पता। तो ये तीनों भी सांप यहाँ पर जा चुके हैं दोस्तों।